Ranbir Kapoor and Deepika Padukone's Tamasha trailer got launched, and their fans should be happy to know that there is not just one, but two kissing scenes in the film. With Tamasha, the duo have completed their trilogy of kissing on screen. The first kiss in Tamasha is a fleeting one that comes midway of the trailer, and second one comes during the end portion. Their kiss nama started off in Bachna Hai Haseeno, which was the second film of both their careers. It was also the film that sparked off their affair, which was one of the most talked about romances in the industry. Unfortunately, it ended not long after that. But both stars being very much professional, their breakup hadn't stopped them from working together in the blockbuster Ye Jawani Hai Deewani, and neither has it stopped them from kissing for the second time in the film. So which kiss have you liked the most? Comment below. निर्देशक अली अब्बास जफर और सुपरस्टार सलमान खान अभिनीत आगामी फिल्म सुल्तान का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। इसमें सलमान का दमदार अवतार नजर आ रहा है। सुल्तान आदित्य चोपड़ा अपने फिल्म निर्माण बैनर यशराज फिल्म्स के तले बना रहे हैं। सलमान की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक कुश्तीबाज की जिंदगी पर आधारित बताई गई है। ये फिल्म 2016 की ईद पर रिलीज होगी। सलमान इस वक्त अपनी आगामी फिल्म प्रेम रत्न धन पायो की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके अलावा जल्द ही वो छोटे पर्दे पर टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस 9 की मेजबानी करते नजर आएंगे। बॉलीवुड में इन दिनों आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के अफेयर के चर्चे हो रहे हैं। इन्हीं बातों को और हवा मिल गई है क्योंकि बीती रात को आलिया सिद्धार्थ से मिलने उनके घर पहुंची। खास बात ये है कि इससे कुछ घंटों पहले ही वो शाहिद कपूर के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म शानदार के गाने नीम न मुझको आए के लॉन्च इवेंट पर नजर आई थी। बता दें कि आलिया और सिद्धार्थ अक्सर ही कहीं न कहीं घूमते हुए कई बार कैमरे में कैद हो चुके हैं। दोनों के लिंकअप की खबरें अक्सर मीडिया में आती रही हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी आज तक ये बात पब्लिकली स्वीकार नहीं की है। हाल ही में सिद्धार्थ ने डेटिंग की खबरों पर कहा था कि कुछ चीजों पर जब आप कुछ खास तरीके से बोलते हैं तो उनका महत्व खत्म हो जाता है। ऐसा खास तौर पर पर्सनल लाइफ के मामले में होता है, जो कि मेरे लिए बेहद कीमती और पवित्र है। बॉलीवुड की नवोदित अभिनेत्री और महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट का मानना है कि उनका बदन बिकिनी पहनने के लिए ठीक नहीं है। पिछले कुछ समय से आलिया चर्चा में है, जब से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने बिकिनी पहनी है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड और मीडिया में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। साथ ही आलिया की इन तस्वीरों को खूब पसंद भी किया गया है। आलिया ने अपनी आने वाली फिल्म शानदार के लिए बिकिनी पहनी है। गुलाबी रंग की ये बिकिनी पहने आलिया की तस्वीर शानदार के प्रमोशन के लिए जारी की गई है। इस फिल्म में आलिया के साथ शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में हैं। आलिया का कहना है कि मेरी बॉडी बिकिनी के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन कटरीना ने मुझसे कहा है कि मैं बिकिनी में अच्छी लग रही हूँ, इससे मुझे आत्मविश्वास मिला है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के टीवी शो क्वांटिको का ट्रेलर कुछ समय पहले ही रिलीज हुआ था। इस ट्रेलर में पिगी ने अपने को स्टार के साथ कार में सेक्स सीन दिए थे। इसके बाद भारत में ये सीन न दिखाए जाने की खबर आई थी, लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका के फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि कार में किए गए बोल्ड सीन देने के बाद प्रियंका की बोल्डनेस खत्म नहीं हुई है, बल्कि उनके नए प्रोमो में वो को स्टार जेकब के साथ अंतरंग दिख रही है। यानी अब भारत में भी उनके प्रशंसक प्रियंका का बोल्ड अवतार देख सकेंगे। गौरतलब है कि प्रियंका के शो क्वांटिको का 28 अक्टूबर से टेलीकास्ट शुरू होगा। शो को काफी सराहा जा रहा है, इसके रिव्यू भी अच्छे मिल रहे हैं। अमेरिका की सड़कों पर इस टीवी शो के पोस्टर भी खूब देखे जा रहे हैं।